नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आप सभी को बाल दिवस की और विशेषकर बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता बचपन। बचपन तो बचपन होता है, बड़ा ही नटखट नादान और मासूम होता है। भोली सी सूरत, मासूम आँखें, दिलकश अदाओं का संगम होता है। तोतली बोली, ठुमक ठुमक कर चलना, उठना बैठना चलना गिरना, हर अदा मनमोहक होती है। जिसे देखो हंस बोल लेता है, कोई इधर कोई उधर लेकर घर आंगन में घुमा लेता है, कोई झूला तो कोई कंधे पर उठा लेता है। दादा दादी नाना नानी की लोरियाँ, माँ के मधुर प्यार, पिता ताऊ का दुलार, कहाँ फर्क होता है दिलों में। प्यार से जो पुकारे बचपन उधर ही दौड़ा चला जाता है। न मन में ईर्ष्या, न देश, न राग, ना ही किसी प्रकार का हृदय में विकार होता है। दोस्तों के साथ झगड़ा भी होता है और अगले पल दोस्ती भी हो जाती है। जहाँ तक जाए नजर, वहाँ अपना घर और परिवार होता है। घर और परिवार होता है, बचपन बहुत मासूम होता है, जिसके सारे ही रंग हरे ही हरे होते हैं। पल भर में तो हम आकाश की अनंतगामी ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं, तो दूसरे ही पल कागज की कश्ती में बैठकर पूरे संसार की सैर कराना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो सपने हैं उनको पर लगे होते हैं और हमेशा हम उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं। बचपन बहुत प्यारा होता है, इसे जी भर कर जीना चाहिए। और हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, हमारे दिल के अंदर कहीं न कहीं एक बच्चे को, बच्चे के भावों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। क्योंकि बचपन ही एक ऐसी उम्र है जहाँ पर न कोई लालच है, न कोई मन में किसी के प्रति द्वेष है। बस बचपन में हर चीज़ प्यारी होती है, न्यारी होती है। हर हाल में बचपन में हम खुशियाँ बटोरते हैं, चाहे कैसा भी माहौल क्यों न होता है। बचपन हमेशा हमें आनंद देता है, खुशियाँ प्रदान करता है। इसलिए बच्चे हों या बड़े, बस अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखें। नमस्कार।